हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम नेट की यूनिट 5 का डिस्कशन करेंगे, जो है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड पेडागॉजी एंड इंग्लिश इन यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मांग की थी कि इसका क्रैश कोर्स डालिए सर, तो आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो ELT के और लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी टर्म्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हम उस हिसाब से उनके टर्म्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये यूनिट थोड़ा बड़ी है, तो आखिरी तक देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता हूँ। तो जब भी ELT की बात होती है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की या लिंग्विस्ट की, तो बात होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब जब बच्चा एक छोटा होता है तो लैंग्वेज कैसे एक्विजिशन करता है, वो अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से लैंग्वेज गेन करता है। जब वो बच्चा होता है तो किससे सीखता है, अपनी मदर से। तो जो मदर लैंग्वेज है या जो माँ की लैंग्वेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, दैट इज़ L1, लैंग्वेज 1। तो जो भी लैंग्वेज हमारी माँ की होगी, वो हम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज 1 कुछ भी हो सकती है, मलयालम, हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, जो भी आपकी पेरेंट्स या मदर की लैंग्वेज होती है, वो फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। उसके अलावा जो हम मदर लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो सेकंड लैंग्वेज में आती है, दैट इज़ L2। सेकंड लैंग्वेज में हम जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, बिकॉज आवर मदर लैंग्वेज इज़ हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस। बट जो हम सीख रहे हैं अपनी मदर लैंग्वेज के साथ साथ, वो है सेकंड लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी, L2 होगी। तो जब हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं या रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पर्सनल फैक्टर होते हैं कि हमें सीखने की कितनी इच्छा है, सोशल फैक्टर होते हैं, हमारी सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए। तीसरा, कल्चरल बैकग्राउंड, जो बच्चे का जो सीख रहा है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और अफेक्टिव फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। एक स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए, वो इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसफ़र, जब हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो किसके माध्यम से पढ़ते हैं, अपने फर्स्ट लैंग्वेज के। यदि हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो किस माध्यम से पढ़ेंगे, हिंदी के थ्रू। जैसे यदि हमें कोई सिखाएगा लैंग्वेज, तो उसको ट्रांसफ़र करके, ट्रांसलेट करके कैसे बताएगा, हिंदी से। जैसे हम कभी भी पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल यानि सेव, बी फॉर बॉल, बॉल यानि गेंद। तो जो हिंदी के थ्रू हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। दूसरा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं मेनली, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम लिसन करते हैं किसी भी चीज़ को, लिसनिंग स्टार्ट होती है। दूसरा, उसके बाद लिसन करने के बाद हम स्पीक बोलते हैं, उसके बाद हम रीड करना चालू करते हैं, एंड देन फाइनली वी राइट दैट लैंग्वेज। सो लिसनिंग एंड रीडिंग, दीज आर कॉल्ड पासिव स्किल, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग कम्स टू एक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, जब हम स्पीच के साउंड की स्टडी करते हैं, उसे फोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे जब हम कोई एक वर्ड पढ़ते हैं सन, तो सन दो चीज़ों से, दो वर्ड से बना है, सा और ना, सा न। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड इज नोन एज फोनीन, और एक वर्ड बहुत सारे फोनीन से मिलकर बना होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज के पार्ट्स की, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब, प्रोनाउंसिएशन, प्रेपोजिशन। तो एक मॉर्फीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे हमने बोला रीप्लेसेबल, तो इसमें री एक पार्ट है, प्लेस एक पार्ट है, और एबल एक पार्ट है। तो रीप्लेसेबल 3 चीज़ों से बना है, 3 मॉर्फीन से बना है, दैट इज़ री, प्लेस एंड एबल। सो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज पार्ट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल स्टडी सम कॉन्सेप्ट विच आर यूज इन लिंग्विस्टिक। वी विल स्टडी सम टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज नियोलॉजिज्म। जब हम किसी नए वर्ड या नए फ्रेज की स्टडी करते हैं, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं या अभी अभी सोसाइटी में आए हैं, तो उन्हें बोलते हैं नियोलॉजिज्म। जैसे स्मॉग, स्मॉग दो, एक नया वर्ड है जो दो वर्ड से बना हुआ है, स्मोक और फॉग। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनता है, स्मॉग। नेक्स्ट टर्म इज रजिस्टर।
अब रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जैसे हम जिस कंडीशन में किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें उस कंडीशन के हिसाब से अपने वर्ड चूज़ करने होंगे। जैसे हम यदि किसी बड़े पॉलिटिशियन या मंत्री से बात करेंगे तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनसे बात करना होगी, कुछ अच्छे वर्ड यूज़ करके बात करना होगी। और यदि हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो हमें नॉर्मल कोई नियम कानून या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स से इनफॉर्मली बात करते हैं। तो दो टाइप्स में डिवाइड है, फॉर्मल रजिस्टर एंड इनफॉर्मल रजिस्टर। फॉर्मल रजिस्टर में हम एकेडमिक, गवर्नमेंटल या बड़े औहदे में जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मल रजिस्टर। और इनफॉर्मल रजिस्टर जो हम सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड से या रिलेटिव्स से बात करते हैं उन्हें इनफॉर्मल रजिस्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक इज लिंगुआ फ्रैंका। अब हम समझते हैं लिंगुआ फ्रैंका का होता है। जैसे दो सोसाइटी, दो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हम हैं इंडिया के और सामने वाला मान लो चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ बोलेगा चाइनीज़ भाषा और हम बोलेंगे हिंदी, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे हो? वो हिंदी नहीं समझ सकता, हम चाइनीज़ नहीं समझ सकते, तो एक बीच की लैंग्वेज हम निकालेंगे इंग्लिश, जो उसको भी आती है हमें भी आती है। तो इंग्लिश क्या हो गई यहाँ पे? लिंगुआ फ्रैंका, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पिडगिन का। पिडगिन क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए हम हैं एमपी के या यूपी के, जिनसे सिर्फ हिंदी आती है, और बंगाली से सिर्फ बंगाली आती है, तो अब हम दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मान लो उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हमें भी इंग्लिश नहीं आती, अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो हम लोग एक बीच की लैंग्वेज तरीका निकालेंगे, कुछ वर्ड वो बंगाली के होंगे, कुछ हमारे हिंदी के होंगे, और ऐसे कम्युनिकेट करेंगे कि उनको भी समझ में आ जाए हम क्या बोलने वाले हैं, हमको भी समझ में आ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। और ये जो लैंग्वेज होगी जिसमें बहुत कम वर्ड का यूज़ होगा, उसे हम बोलते हैं पिडगिन। मान लीजिए एक चाइनीज़ है, हम इंडियन हैं, हमें हिंदी आती है, उन्हें चाइनीज़ आती है, अब उनको इंग्लिश नहीं आती, हमें भी इंग्लिश नहीं आती, अब कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो कुछ वर्ड वो यूज़ करेगा अपनी चाइनीज़ की या हमारे हिंदी की, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेगा, हम भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे कुछ वर्ड के हिसाब से, कुछ इशारों से, और इस लैंग्वेज को जो हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पिडगिन। बहुत सारी पिडगिन हो सकती हैं, चाइनीज़ पिडगिन, इंग्लिश पिडगिन, बंगाली मिक्स्ड पिडगिन, सो दिस इज़ नोन एज पिडगिन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ क्रेओल। अब क्रेओल समझते हैं क्या होता है। क्रेओल वो होता है कि जो पिडगिन हम यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए, अब हम बहुत दिन से वो पिडगिन यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे 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 वो एवोल्यूशन, उसका एवोल्यूशन होगा वो पिडगिन का, और उसमें कुछ नए रूल्स ऐड होते जाएंगे, वो डेवलप होती जाएगी, तो वो जो पिडगिन है जिसका एवोल्यूशन हो रहा है, और वो धीरे 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 एक ऑफिशियल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे हम बोलते हैं क्रेओल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ डायलैक्ट। अब डायलैक्ट क्या होता है? एक ही भाषा के बहुत सारे डायलैक्ट हो सकते हैं। हमारी इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के कितने सारे डायलैक्ट हैं हमें भी मालूम है, जैसे ब्रजभाषी, इंदौरी, भोपाली, ये सब क्या हैं? डायलैक्ट्स। लैंग्वेज वही है लेकिन डायलैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। वैसे ही इंग्लिश के बहुत सारे डायलैक्ट हैं, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, वेल्स, आयरिश, तो दीज आर डायलैक्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? जब हम दो वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि एक ही वर्ड है। जैसे डीप थाट, जब बहुत ज़्यादा कोई सोच में डूबा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये बहुत डीप थाट में है। बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं? हैवी रेन। तो ये दो वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ करने के कारण वो एक वर्ड की तरह लगने लगे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? कोलोकेशन। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो इस फील्ड में डेवलप की गई हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के फील्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट की, जो डेवलप की थी चार्ल्स के ऑडगिन और आई रिचर्ड्स ने 1930s में। ये वर्जन है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें सिर्फ 850 वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे इन दोनों ने, और इनका मानना था कि एक सिंपल से सिंपल आदमी को भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, तो इन्होंने एक बेसिक इंग्लिश निकाली थी 850 वर्ड्स की, और इसी के कारण इसका नाम पड़ा बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट। बेसिक का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अमेरिकन साइंटिफिक इंटरनेशनल कमर्शियल इंग्लिश। ये 1930s में डेवलप हुई थी लेकिन 1940s आते आते लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट जो है इसने
इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज न्यू बोल्ट प्रोजेक्ट और न्यू बोल्ट रिपोर्ट। ये डेवलप हुई थी वर्ल्ड वार 1 के समय में, जब सर हेनरी न्यू बोल्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1921 में। इसमें उन्होंने कहा था कि वेल्स और इंग्लैंड के जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए हमें बच्चों को लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें इंग्लिश उन्हें इंग्लिश लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर हुए हैं जैसे विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैं, पोएम्स हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, विलियम वेक की पोएम है, सर वॉल्टर स्कॉट के ड्रामा हैं, या जितने भी लिटरेचर हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उन्हें उनके हिसाब से हमें इंग्लिश पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और इंग्लिश के जो टीचर हैं उन्हें अच्छी सैलरी देना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट होंगे इंग्लिश को अच्छे पढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें न्यू बोल्ट ने अपने प्रोजेक्ट, अपने रिपोर्ट में दिया था 1921 में। अब हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आज है वो कैसे बनी है। तो हमें सबसे पहले मालूम है कि इंग्लैंड में सबसे पहले लोग रहते थे वहाँ पे सेल्ट्स और रोमन्स। 180 की बात कर रहे हैं तो वहाँ सेल्ट्स सेल्टिक पीपल रहते थे और रोमन पीपल रहते थे। जब रोमन्स वापस अपने रोम चले गए तो वहाँ पे 3 जर्मेनिक ट्राइब ने हमला किया, वो थी एंगल, सेक्सन एंड जूट्स। तो ये अपने साथ लेके आई जर्मेनिक लैंग्वेज। उसके बाद जब यहाँ पे रहते रहते वाइकिंग्स ने हमला किया तो वो लेके आए अपने साथ अपनी लैंग्वेज। फिर उसके बाद इंग्लैंड में आए क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो वो अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लेके आए। तो लैटिन मिक्स हुई जर्मेनिक लैंग्वेज में, और दोनों लैंग्वेज जब मिक्स हुई तो वो बनी ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने के कारण जो फ्रेंच रूलर्स थे वो इंग्लैंड आए और अपने साथ लेके आए फ्रेंच लैंग्वेज। जब फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश मिक्स हुई तो नई लैंग्वेज बनी मिडिल इंग्लिश। उसके बाद ग्रेट वोवल शिफ्ट हुआ, इंग्लिश रेनेसांस आया, विलियम शेक्सपियर ने 10,000 वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड किए। उसके बाद वो लैंग्वेज बनी इंग्लिश अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज। उसके बाद रोमांटिक एज आई इंग्लैंड में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो बहुत सारे वर्ड ऐड होते गए और इंग्लिश आज जो हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर बनी है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, नए नए वर्ड जो हम आज सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से ऐड कर रहे हैं। तो आज की जो इंग्लिश है इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर बनी है। जब कोई भी लैंग्वेज किसी दूसरी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है तो उसे इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम कुछ पॉपुलर जर्नल्स और मैगजीन के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18th सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहली जो मैगजीन स्टार्ट की थी सर जोसेफ एडिसन ने, वो थी स्पेक्टेटर। ये चली थी 1711 से 1714 में। ये जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील की कंबाइन मैगजीन थी। ये हफ्ते में 3 बार पब्लिश होती थी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। उसके बाद जेंटलमैन मैगजीन जो एडवर्ड केब ने बनाई थी, ये पहली बार था जब मैगजीन वर्ड यूज़ किया गया था। सैमुअल जॉनसन इसके रेगुलर राइटर थे। उसके बाद नेक्स्ट मैगजीन आई लंडन मैगजीन, जो 1732 से 1785 तक पब्लिश हुई। इसके बहुत सारे फेमस राइटर थे जो इनमें योगदान देते थे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम एस वॉरो, जॉन कीट्स। उसके बाद मंथली रिव्यू स्टार्ट हुई 1749 से 1845 तक, ये पीरियोडिकल चलती रही, जो रैल्फ ग्रिसेथ ने बनाई थी। फिर उसके बाद आया रैम्बलर 1750 से 1752 तक ये पब्लिश हुई है। इसके पब्लिशर थे सर सैमुअल जॉनसन। उसके बाद क्रिटिकल रिव्यू आई जो 1756 से 1817 तक रेगुलरली पब्लिश होती रही। उसके एडिटर थे टोबियस मॉलेट। नेक्स्ट मैगजीन इज वॉचमैन, जो 1796 में इस्टेब्लिश की गई थी सर सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा। उसके बाद एडिनवन रिव्यू आई जो 1802 से 1835 तक पब्लिश होती रही। इसके फेमस राइटर थे ले हंट, वॉल्टर स्कॉट, बैटनल, रसल। उसके बाद मैगजीन आई एग्जामिनर, जो वीकली पेपर था। ये 1808 से 1886 तक पब्लिश होता रहा। ये इस्टेब्लिश किया गया था ले हंट और जॉन हंट के द्वारा, ये दोनों भाई थे। इसके फेमस राइटर थे लॉर्ड वेरॉन, पी बी सैली, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट। उसके बाद आई क्वार्टरली रिव्यू जो 1809 से इस्टेब्लिश हुई थी। इट वॉज फाउंडेड बाय जॉन मोरे।
नेक्स्ट मैगजीन इज द जर्म कॉलिन थॉट्स टुवर्ड नेचर इन पोइट्री लिटरेचर एंड आर्ट. दिस मैगजीन वॉज एसोसिएटेड विद प्री रेफेलिट्स. उसके बाद नेक्स्ट मैगजीन आती है एटलांटिक जो 1857 में फाउंड की गई थी फ्रांसिस एच अंडरवुड के द्वारा. यह एक अमेरिकन मैगजीन है. इसके फेमस राइटर थे रॉल्फ वेल्डो एमर्सन डब्ल्यू एच लॉन्ग फेलो हैरियट बीचर स्टोव. नेक्स्ट मैगजीन इज ऑल द ईयर राउंड जो 1859 से 1895 तक पब्लिश हुई. ये एक विक्टोरियन वीकली मैगजीन थी जो चार्ल्स डिकन्स के द्वारा पब्लिश की जाती थी. नेक्स्ट मैगजीन इज इंग्लिश रिव्यू जो 1908 से 1937 तक पब्लिश हुई. ये फाउंड की गई थी फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड के द्वारा. ये सिर्फ इसलिए फाउंड की गई थी क्योंकि थॉमस हार्डी की पोएम कोई पब्लिश नहीं कर रहा था, तो फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने बोला कि मैं एक मैगजीन पब्लिश करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, जिसमें सिर्फ आपकी पोएम पब्लिश की जाएंगी, और इंग्लिश रिव्यू स्टार्ट की गई. उसके बाद नेक्स्ट मैगजीन इज पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स. नेक्स्ट मैगजीन इज ईगोइस्ट जो 1914 से 1919 तक पब्लिश की गई. ये डोरा मैटसन एंड हैरियट सॉ वीवर के द्वारा स्टार्ट की गई थी. नेक्स्ट मैगजीन इज स्क्रूटनी कॉलिन अ क्वार्टरली रिव्यू 1932 में ये फाउंड की गई थी एलसी नाइट एंड एफ आर ल्यूस के द्वारा. नेक्स्ट मैगजीन इज क्रिटिकल क्वार्टरली जो 1958 में फाउंड की गई थी सी बी कॉक्स एंड ए ई डिसन के द्वारा. अब हम डिक्शनरी के एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं. जो इंग्लिश डिक्शनरी का एवोल्यूशन हुआ है स्टार्टिंग से उसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले डिक्शनरी वर्ड यूज़ किया था रॉबर्ट कॉर्ड्रे ने 1604 में, और इन्होंने अपनी डिक्शनरी को नाम दिया था अ टेबल अल्फाबेटिकली. इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे जो अल्फाबेटिकली अरेंज थे, इनकी मीनिंग्स थी. रॉबर्ट कॉर्ड्रे एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने ये सबसे पहली डिक्शनरी बनाई. उसके बाद थॉमस ब्लॉन्ट आए जिन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया ग्लोसोग्लाफ्रीरिया के नाम से 1656 में. इसमें 10,000 वर्ड थे. उनके एवोल्यूशन की हिस्ट्री थी कि वो वर्ड्स कहाँ से आए हैं और उनकी मीनिंग थी. उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने अपनी डिक्शनरी पब्लिश की जिसको उन्होंने नाम दिया अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये पहली मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी थी. उसके बाद 1928 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आई. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को 50 साल लगे थे एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनने में, और इसमें बहुत सारे लेक्सियोग्राफर का योगदान रहा, उनके वर्क उनके एक्सपीरियंस का योगदान रहा. ये डिक्शनरी हर 3 महीने में रिवाइज होती है. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 1988 में आया था, और 2000 में इसका पहला ऑनलाइन वर्जन आया था. अब चलते हैं अमेरिका. अमेरिका में नोह बेबस्टर 1806 में पहली अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था अ कम्पेडियस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. फिर इस डिक्शनरी को रिवाइज किया गया और 1828 में डिक्शनरी का नाम दिया गया एन अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. फिर जब नो वेबस्टर की डेथ हो गई तो दो भाई जॉर्ज एंड चार्ल्स मैरियम ने 1843 में इस डिक्शनरी के पूरे राइट्स खरीद लिए, और उसके बाद इस डिक्शनरी का नाम पड़ गया मैरियम वेबस्टर, जिसे हम आज भी जानते हैं मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के नाम से. सो फ्रेंड्स, ये था यूनिट 5 का क्रैश कोर्स. होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए. होप आप जितने भी लोग इंग्लिश नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाए. बेस्ट ऑफ लक. मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोगों का नेट इस बार क्वालिफाई हो जाए. थैंक यू.